सपना गुरुदेव नवा दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अवमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अवमान। तुलसी दया ना छोड़िए, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी दया ना छोड़िए, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। पीरा बूंद नू तरस मर गया, फिर की बनाने सज। पीरा बूंद नू तरस मर गया, फिर की बनाने सज। Oh,
सुने मत बाल रोकता साहब जी पातशाह दी हजूरी दे विच बैठन दा प्राप्त होया है। ए समा उदो सिख नू प्राप्त हुंदा है जदों सिख दे मत्थे दे अति चंगे भाग होन। गुरु जी गुरबाणी दे विच फरमान करदे है, कहंदे जी दे हिरदे दे विच दया नहीं ना है, दया ओ कहंदे बंदा कसाइयां वर्गा है। दया बिना सिद्ध कसाई कहंदे भावे जी बंदे दे कोले रिद्धियां सिद्धियां भी आ जान ते बंदे दे कोले कुछ ताकतां भी आ जान, पर सतगुरु जी कहंदे कहंदे जे हिरदे दे विच दया नहीं रहवा नामे लड़की। जिन्ना दी खातर कहंदे है सिर की सोभ अतार के चीनस आत्म राम, मक्के दा हज करन वास्ते जावे मक्के दा। दया दे कम किहे जे हुंदे है, मक्के दा हज करन वास्ते जांदी है ते राह दे विच की देखिया एक कुत्ती कतूरियां वाली ते पानी तो बगैर बरलाप कर दी है। नीति वाले कहंदे बताओ ने की कीता,
कहंदे आप दे सिर दे बाल लाहे, सिर दे बाल ला के ओदी रस्सी बट्टी, ओदे नाल चिन्नी बन्नी, चिन्नी प्यों के ते ओ कतूरिया वाली कहंदे कुत्ती नू पानी पियाया ते सठ को मक्का उत्थे चल के आ गया। ते दया दे कम क्यों सिर की सोभ अतार के चीनस आत्म राम, सात कोस मक्का फिरयो देख दया के, कहंदे देखा दया दे कम कहे जे, कहंदे किथे ता ओ लड़की मक्के दा हज करन चली ते किथे सठ को मक्का चल के ओदे पास आ गया। नाल देखो कोई बड़ा जप नहीं कीता, तप नहीं कीता, क्यों ना कोई साध संगत कोई चौंकड़ा मारिया, ना समाधी लाई, ते सिर्फ जानवर ते दया कर्म दे नाल ही। ते कहन लगे सठ को मक्का चल के उदे पास आ गया। इस तरह रायपुर दी रियासत दे विच आप जी नूं पता है एक परिवार रहा करदा, उन्हां कोले संगीत दा भी गुण सी, आ साज भी जानदे सी, संगीत दा गुण है कोले, ते रायपुर दी रियासत विच रह रहे है, किसी महात्मा दी संगत होगी, महात्मा दी संगत दे नाल साध का संग नहीं, किस काल दर्शन भेटत होत निहाल। जिहे जी संगत करदे हैं साडे उत्ते उहे जिहा असर हो जांदा, क्यों जिहे जी महापुरखां दी संगत करदे, आलाके दी प्रेमी महापुरखां दी नसलपुर वालियां दी संगत करिया करदे, ओ कहंदे भाई खाना पीना शुद्ध कर लो, लो बाबा जी खाना पीना शुद्ध कर लैने हैं। सा संगत ते महापुरखां दे संगत करन दे नाल सा संगत साध का संग नहीं, किस काल दर्शन भेटत होत निहाल। संतां दी संगत हुण बेअंत प्रेमियां ने महापुरखां दी संगत करनी, नाम जपना जपाउणा, इसे तरह उन्हां ने महापुरखां दी संगत कीती, पर संगत करन दे नाल महापुरखा ने जिदे आप दे अभ्यासी सी, हुण जिथे दा मन किसे दा खड़ा हुंदा है, कोई फोटो दी पूजा करदा, कोई बुत दी पूजा करदा, कोई कासे दी करदा, जिथे किसे दा मन खड़ा होने ओहे जिहे उपदेश करना। हुण ओह महात्मा दा मन ठाकरां दी पूजा ते खड़ा, ठाकरां दी पूजा ते उन्होंने की करया करना, ठाकरां दा इशनान पानी भी कराया करना। पर गुरबाणी दे विच देखिया कि फल तां सिख नूं भावना दा मिलना, कंसी दे विच भगत रविदास जी ते कंसी दे ब्रह्मणा ने केस करता सी, कहिंदे जी इह सूदर है, इहनूं अधिकार ही नहीं ठाकरां दी पूजा करे। हुण कंसी दा जिहड़ा नवाब सी बड़ा सियाणा सी, ओह कहिंदा वी की गल, कहिंदे इहनूं अधिकार नहीं, इह सूदर है, सूदरां नूं अधिकार नहीं ना मंदर च जाण दा ते ना ठाकरां दी पूजा करन दा। ओह समें दे विच उच्ची कुल ब्रह्मणा दी समझी जाया करदी, कहिंदे जी ब्रह्मण ही ठाकरां दी पूजा कर सकदे आ। भगत कबीर जी दी खातर रौला पै गया सी,
ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆ ਹੁਣ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਦਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੇਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨੀ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮਾਰਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਾਮਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੂੰ ਨੀ ਮੰਦਰ ਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹਨੋਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਦਨੇ ਨੇ ਹਨੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਦਨੇ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਚ ਚਿੰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਚ ਚਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਦਨੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹਨੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਦਨੇ ਨੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ ਸੜਾ ਦੜ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਦਨੇ ਨੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ ਸੜਾ ਦੜ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਦਨਾ ਖੜਾ
ते नीब च चिणदे है ते सदने ने भगवान नू ताना मारिया भगवान ओ मैं ता सुनिया सी तू भेखियां दी भी रख लैना निरपकन्या के कारने इक पिया किते सदना कहिंदा है परमेश्वर ओ जे शेर दी शरण लै लगे ते फिर गिदड़ा दा भी भर है असी ता रब समझ के तेरे लड़ लगे सी किते कहिंदा है ओ जे मैनू नीयां च चिणता ते मुड़के तू आज फेर दस मैं तेरा ते इथों की कराउणा मैनू तो नीयां दे विच नींद दे विच चिणी जांदे आ साध संगत जो भगत सदने ने ताने मारे ना परमेश्वर नू जिवें भगत नामदेव ने पुंडरपुर दे विच हजूर साहब तो कुछ सफर पे है जिथे भगत नामदेव की खातर भगवान ने मंदिर फेरिया साध संगत जो धक्के मारे ना धक्के तू जा वे तेरा सिंधियां दे घरे जन्म है ते नामदेव बाहर बह गया जदो बाहर बैठा ते भगवान नू ताने मार लग गया हे परमेश्वर हस तो खेलत तेरे द्योरे आया भगत करत नामा पकड़ उठाया मैं ता सोचदा सी भी मंदिर दे विच रब दी गल हुंदी है मैं ता सोचदा सी मंदिर दे विच नाम जपीदा है मैं सोचिया मंदिर दे विच आरतियां उतारियां जांदियां है पर मैं ता चाहना कीर्तन सुनन वास्ते ते कीर्तन करन वास्ते आया सी पर मैनू नहीं सी पता भी जिन्हां दा सिंभियां दे घरे जन्म आ उन्हां नू धक्के पैंदे आ उन्हां नू अधिकार ही नहीं मंदिर विच वड़न दा भगत नामदेव कहिंदा हे परमेश्वर हस्त खेलत तेरे द्योरे आया भगत करत नामा पकड़ उठाया हिन्नड़ी जात मेरी कहिंदा हे परमेश्वर मैनू जे धक्के ही पैने सी मैनू छिंबियां दे घरे जन्म भी कहनू दिता हुण भगवान नू पता लग गया जो साध संगत भगत नाम दे बैठा रोंदा ते भगवान ने की कीता आण के मंदिर दा मुंह नाम दे बल करता फेर दियो नामे को देवरा हुण पंडित लोग आण के भगत नामदेव दे चरनी डिग पे जदों पता लग्या लै कमली चलिया पलटाए द्योरे पासे बैठा आए ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरै भगत जन्ना का द्योरा फिर जो पता लग्या भी मंदिर फिर गया वो कहंदे ओए नाम जपण वाला है कोई जिनू आपां सूदर समझदे आ जाके हुण ब्रह्मण चरणा ते डिग पे ते भगत नामदेव नू हंकार हो गया भगवान नू कहंदा हे भगवान कहंदे हां भी नामया कहंदा मेरे वर्गा भी कोई होऊगा भगत तुहानू प्यारा कहंदे की गल कहंदा तुसी मेरी खातर मंदिर फेरता ओ कहिंदे नामिया ओ तेरे कोले तां मैं उदों आउणा जदों तू रो रो के मैनू ना लांभे मारदा जदों हनोरे मारदा ओ कहिंदे मेरे अहे जे भगत आ जिन्हां दे मैं अठो पैर नाल रहिंदा सदा अंग संग अपांगं बैपूते ओ जिन्हां दे मैं अठो पैर नाल रहिंदा नामिया ओ मेरे भगत होर है तेरे कोले तां मैं उदों आउणा जदों तू ताने मारन लग जाना मैनू हनोरे मारदा ते मैं ता तेरी खातर ता मैनू उदों आउणा पैंदा इस तरह साध संगत आप जी नू पता भगत रविदास जी ते कंसी दे ब्रह्मणा ने नवाब दे कोले केस करता नवाब साहब ए रविदास सूदर है इनू अधिकार नहीं है ठाकरां दी पूजा करे कंसी दा नवाब बड़ा स्याणा सी उन्हें भगत राम रविदास नू भी बुला लिया ते कंसी दे ब्रह्मण भी बुला ले कहिंदा भी इयों करो तुसी जिहड़े तुहाडे ठाकरां ना ये गंगा दे दूजे किनारे ले जाओ लेके चले गए कहिंदे पंडित कीनू अधिकार है कहिंदे जी सानू अधिकार है
ठाकरां दी पूजा तो असी कर सकते हैं। कहिंदे फिर इउं करो, तुसी आपदे ठाकरां नूं गंगा पार करा दिओ दूजे किनारे तो दूजे किनारे, ते फिर तुहानूं अधिकार है। जे भगत रविदास दे ठाकर गंगा पार कर जाण तां इहनूं अधिकार है। हुण जदों पंडतां नूं कहा, पंडतां ने आरतियां ओम जय जगदीश हरे आरतियां उतारनियां कीतियां, जदों हुण साध संगत अंदरों ही प्रेम नहीं है। जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगण सियाने, जे बाहरों भुल चुक बोल दे पी खरे हर भाणे, जेड़े नाम दे विच रत्ते है ना ओ जे किसे नू गाल भी कढ़न उस तरह भी सोहणे लगदे। आ संत वीर मदाह जी वधौसिया आले नाले रोड़े मारिया करदे, नाले गालां कढ़िया करदे, क्यों नाम दे विच रत्ते वे आ। हुण अपनी क्यों नहीं चलदा, आपां नाम च ही नहीं रत्ते। साध संगत बड़े बड़े महापुरख जिन्हां ने रोड़े मारने गालां कढ़नियां, पर बाहरों भुल चुक बोल दे पी खरे हर भाणे। साध संगत हुण इसे तरह ब्राह्मणा ने आरतियां उतारनियां शुरू कीतियां, पर जदों ठाकर हिले ना ते नवाब पुछदा, पंडित जी तुहाडे जेड़े ठाकर आ तां हिले भी नहीं। कहिंदे जी इह जड़ जूनी है, इह कारज तां सिद्ध कर दिंदे आ ते पर इह पाणी ते नहीं तरदे। जदों भगत रविदास जी नूं कहा ना ते भगत रविदास जी ठाकरां बन्नियों झक नूं हट गए, जदों हटे नेत्र बंद कर ले, जदों नेत्र बंद कीते नेत्र बंद करके कहिंदे आए सी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब नवाज गसाइयां मोरा माथा छत्र धरै, जाकी छोत जगत को लागा तां फिर तू ही तरै, नीचो ऊंच करा मेरा गोविंद काहू ते ना डरा। जदों इयों शब्द उचारण कीता किते भगत रविदास जी कहिंदे कूप भरियो जैसे दादरा कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसा मेरा मन बिखिया बबोहया किछ आरा पार ना सूझ। किते भगत रविदास जी कहिंदे हे परमेश्वर तुम चंदन हम रेंड वापरे संग तुम्हारे बासा। किसी भगत नामदेव ने जदों बाणी पढ़नी कीती प्रभ भावा ता पाथर ता, सा संगत जेड़े साथर पत्थरां दे सी ते ओहो गंगा ते तरदे तुरे आउंदे है। नवाब कहिंदा ओ ब्रह्मणो अधिकार कहिंदा ओ रविदास नूं है के अधिकार तुहानूं है। हुण तुसीं दसो आओ देखो, कहिंदे रविदास दे ठाकर किवें प्रभ भावा ता पत्थर तराव है, और पत्थर पानी ते तरे आउंदे है। हुण नानक प्रभ शरनाई मुख निंदक कह छाई, पर यह गल कह दी है, यह गल भावना दी है, श्रद्धा दी है। जिवें गुरु जी कहिंदे ना, कहिंदे सिखी कई प्रकार दी है। गुरु जी सिखी भी कहिंदे हां महाराज सिखी भी, कहिंदे महाराज कहिंदे भाई सिखी भी कई प्रकार दी है। कहिंदे महाराज किवें, एक तां कहिंदे सिखी देखो देखी दी है, औणे अमृत छक लै भी मैं भी छका। एक सिखी धंधे दी है भी आनंदपुर साहब दी धरती दे विच अपनी दुकान पाई आ, आपां भी लंबा चाला लंबा सारा चोला पाओ ते कृपान पाओ के गाह कौणगे, इह सिखी धंधे दी है। एक सिखी हिंसा दी है, क्यों किसे नाल भी उन्होंने अमृत सारा ने छक लिया, उन्होंने फलाने संत आने लगे आप भी छकीए, उन्होंने तो अपनी बोलचाल भी है नहीं सी। एक देखो देखी दी है सिखी, क्यों भी अपने सारे संबंधियों का छकिया गया है, जो आप जर कले नगुरे जो उन्होंने घरे जाने बड़े बुरे लगते आप भी छक लगे। एक सिखी कहिंदे प्रेम दी है,
ओ सिखी प्रेम दी है, गुरु ते विश्वास हो जाना, गुरु ते भरोसा, गुरु ते बचना ते मन मन जाना, मन मानना तो हर जाने भी ओ करिए गुरु दे अगे कीती अरदास तां पूरी हो जांदी, आपां भी अमृत छक लेंगे। कहिंदे जी एदू एदू अगे सिखी सिदक दी है, एदू अगे सिखी सिदक दी है, ओ भावे दुख आवे ते घबराउंदा नहीं, जे सुख देवे तो खुश नहीं हुंदा, जे कलाड़ी च दी पीड दियो नाराज नहीं हुंदा, जे तत्ती तवी ते बिठा दियो ता परमेश्वर नूं हनोरे नहीं मारदा, मैनू तवी ते क्यों बिठाता। ए सिखी सिदक दी है, जे सिर ते आरा चलदा है ता फेर भी ओ नहीं कहिंदा मैनू आरे ना क्यों चराई जाना रब्बा, कहिंदा तेरा किया मीठा लागे। जे सिकंजे च बंदा है, जे रूह च लपेट के अग लगदी है ता कहिंदा सिखी के सिखी सिदक दी लई भी आ ना, तो सिखी धंधे दी है ना, सिखी देखो देखी दी है, सिखी सिदक दी है, रूह च लपेटे नूं अग लगदी है, फेर भी कहिंदा है क्यों, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मंग है। जे भाई दयाला देग चुगलदा फिर भी सिखी सिदकदी है, जे मती दास आरे नाल चीरी जांदा फिर भी सिखी सिदकदी है, जे सती दास नूं रूह विच लपेट के अग लाई जांदी है सिखी कोले सिदकदी है, इहनूं सिखी सिदकदी कहिंदे है। इसे तरह हुण सिखी प्रेम दी हुंदी है, सिखी सिदक दी हुंदी है। साध संगत इस तरह हुण भगत रविदास जी ने जदों मारे दे परमेश्वर अगे अरदासां कीतियां ते जेड़े ठाकर सी ओह पानी ते तर गए, पर क्यों, अंदरों भावना सी। आ ठाकर तां मंदरां च बथेरे पए आ, साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा दे विच किन्ने प्रकाश है, ओ भी साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सी ते जिन्हां ने बाबा आनंद सिंह ने दर्शन कीते, क्यों, भावना दे नाल, भावना दे नाल। जे सिख दी गुरु ग्रंथ साहिब ते भावना होवे ओही गुरु ग्रंथ साहिब किते गुरु नानक दा रूप बन जांदा, किते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दा रूप बन जांदा, पर सिख दी भावना नूं फल है आपां नूं नहीं मिलना, क्यों, अपने उन्हीं भावना ही है नहीं, अपने कोल सिखी सिदक दी नहीं है। जे तां सिखी सिदक दी होवे ते फेर तां सानू भी दर्शन होण, सानू क्यों नहीं हुंदे, साडी ओह भावना ही है नहीं, सानू पहला तां गुरु ग्रंथ साहिब बुलाउणा ही नहीं आउंदा। आ हुण देखे आ जिहड़े कन्नां च मंत्र दिंदे, कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु ना मन्नो, कहिंदे क्यों, कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब किहड़ा बोलदा है, अज्ञान दी गल है, ओ गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा पर सानू बुलाउणा नहीं आउंदा, गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा है पर इन्हां नूं अज्ञानियां लोगां नूं पता नहीं, क्यों, किते सुनिया है किसे इस्त्री दी चिट्ठी आ जाए दूजे देश दे विचों, ओदा पति बाहरले प्रदेशां विच बैठा होवे ते इस्त्री होवे अनपढ़, इस्त्री होवे अनपढ़ ते ओनू आ जाए चिट्ठी, ओ किसे आपदे आंढी गुआंढी नूं परिवार दे मेंबर नूं कहे मेरे पति दी चिट्ठी आई है, मैनूं चिट्ठी तां सुना, की कहिंदा, ओ चिट्ठी पढ़ के सुनाउंदा है पर ओ इस्त्री दा पति नहीं बनदा, ओ चिट्ठी ओदे पति दी है। बाणी पढ़न वाला, बाणी सुनाउण वाला, ओ साध संगत कीर्तन करन वाला गुरु नहीं बनदा, बाणी गुरु दी है, बाणी दरगाह चो आई है, ए तां सिर्फ बाणी पढ़ के ते बाणी सुनाउण वाले गुरसिख है, गुरसिखा एको प्यार गुरमिता पुत्ता भाइया, गुरु गुरु नहीं बनता। गुरु कौन है, गुरु पंज प्यारे है, पर कदों है, ओ जे दसवें पातशाह ओ पंजा भाई दयास होना वाली ताकत वरती, पंज प्यारे जो आप लगते हैं ना अपने तो उही ताकत ही है नी पंजा प्यारे दी, उदो अरदास करो
के सच्चे पातशाह आप दी चलाई मर्यादा पुरशोत्तम असी शरीर करके तैयार हैं पर कला पंजा प्यारा आली आप जी ने बरतौनी है। पंजा प्यारा आली कला वो दसवें पातशाह आप बरतौंदे है पर कदों और जे पंज प्यारे भी श्रद्धा वाले होण इउं ना होवे वी कहण वी मास आप दा बना के खा लियो शराब आप दी बना के खा लियो इउं भी पंज प्यारिआं दा कम चलदा है अहे जिहा भी कम कारोबार चली जांदा है। क्यों मतबला गुरु जी मना करदे है साध संगत पंज प्यारिआं दे विच कलंगी धर कला उदो वरतौंदे आप दे आली ओ जदो पंज प्यारे भी रहनी बहनी वाले होण नाम जपण वाले होण ते रहत बहत रहो विचार। इस तरह हुण साध संगत जे भावना इस तरह रायपुर दी रियासत दे विच उन्हां नूं महात्मा ने की कर कीता साकरां दी पूजा च लाता लै भी तुसीं इउं करिआ करिओ अमृत वेले उठना है उठ के अशनान पानी करना है अशनान पानी करके ना फिर ठाकरां दा अशनान कराउणा है फिर उन्हां नूं दुध दा भोग लुआउणा है। हुण साध संगत दुध दा भोग तां नामदेव दा पिता भी लुआउंदा सी ओह तो लग्गिआ ही नहीं दुध दा भोग तां ठाकरां नूं नित नामदेव दा प्यो भी लैके जाया करदा पर नामदेव दे प्यो दे आखे किते ठाकरां ने दुध पीता ही नहीं पर जदों नामदेव ने कहा हे भगवान दूध कटोरा गड़बा पानी जदों रख के दुध मूहरे ते वास्ता पौन लग्या जे तू दुध ना पीता ते मेरे घरे गए नू मेरा पिता कुटूगा वो दुध नहीं पिया के ठाकरां नू नहीं तो घर को वापस आए तो नहीं तो मेरा पिता मेरे ना गुस्से मेनू घरों ही कढ दूर निकल घरों तू ठाकरां नू दुध नहीं पिला के आया। साध संगत कहंदे की होया ते ओ भगवान नामदेव दे कहण ते ठाकरां ने दुध पी लिया इन्ना चिर हो गया सी उहदे पिता तो पीता ही नहीं किन्ना चिर क्यों भावना ही नहीं सी जिथे भावना नहीं उथे रब ही है नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन नू कहंदे हे अर्जुन ओ जिथे भावना मैं उथे है जिथे भावना नहीं है मैं उथे नहीं है इस करके रहो विचार। हुण ठाकरां दी पूजा दे विच लग गए महात्मा ने दस्या भी तुसी इउं करिओ अमृत वेले तुसी उठना है अशनान पानी करना है करके अशनान पानी ते फिर ठाकरां दा अशनान कराउणा है ते फिर आरतियां उतारिया करनी है ते तुसी जल पानी फिर छकिया करना है। सत वचन जी साध संगत संतां ने दस्या संतां दे दस्से अनुसार अमृत वेले उठदे आ पहला अशनान करदे आ करके अशनान साध संगत आप जी नूं पता फिर बाल्टी पानी दी भर लिया करन जदों पानी दी बाल्टी भरिया करन ते जाके ठाकरां दा अशनान कराया करन जदों ठाकरां दा अशनान कराउणा फिर आरतियां उतारनियां फिर संगीत दे नाल गुण गाउणे जदों गुण गाउणे शुरू करदे ऐ समां लगदा गया पर ठाकरां ते मन नहीं भिज्जिआ क्यों प्रतीत नहीं आउंदी भी इन्हां विच रब है कि नहीं है समां लंघदा जांदा है पर रब दी प्राप्ति नहीं होई। एक दिन कोई गुरसिख है उहदे चोला पाया कोल गोल दस्तार बन्नी है ओ किसे गरीब दी रखिआ करदा ओ किसे मजलूम दी रखिआ करदा ओहदा शरीर जख्मी हो गया ओ जदों जंग दे विचो आवे ते उधर ए पानी लई जांदे आ जदों पानी लई जाण ते ओहदा शरीर जिहड़ा कपड़े आ लहू ना भिज्जे आ उहने आवाज मारी ओ पानी लिजाण वालिओ आ पिंड भी मडोली बसदी होनी है ते होर भी साध संगत लोग बड़े इत्थे बैठे होने
ਲੈ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਪਾਂ ਦਿਆ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚ ਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆ ਖੁਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਰਾਈਓ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਐ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇੱਕ ਚੂਲੀ ਨਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਲਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਓਏ ਆਪਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਐ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਹੋਜੂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਲੱਖ ਜੂਣ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਹੋਜੂ ਉਹ 42 ਲੱਖ ਜੂਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਆ ਭਾਗਾ ਦੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਣੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਣੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਓ ਕਰਮਾਂ ਦੋਗੀਆਂ ਨੂੰ
सिख ने आवाज मारी वे दर्शन नहीं जे तुसानू देन लगा ओ कहिंदा ओ तुहाडे हिरदे च दया नहीं एक घुट पानी दी नहीं पलाउंदे तुहाडे भागा दे विच दर्शन भी है नहीं गे। हुण साध संगत एहो जिहा शब्द कहा ओ दर्शन नहीं जे तुसानू देन लगा हुण तुरे जांदे है ते कन्ना दे विच आवाज गूंजदी जांदी है जिवें आपां कहिंदे हुंदे ना ਉਹ ਜਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਜ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਰੀ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ आरतियां उतारदे आ पर कन्ना दे विच आवाज ओही पैंदी है दर्शन नहीं जे तू सानू देन लगा। हुण हैरान हो गए भी इह कौन होया आरतियां उतारियां कहिंदे हुण क्यों इस्त्री ते पति दोने कहिंदे चलो हुण पानी पिला के आईए फिर बाल्टी पानी दी भर ली ओ जदों पहला चूली पानी दी ना दित्ती ते जदों मुड़ के बाल्टी पानी दी लेके आए ते आउंदे नू गुरसिख बचन करन वाला शरीर छड गया हुण बाल्टी दाले लई फिरन बाबा बाबा भी हुण की बनाउणा सागरा बाबा बाबा हुण की बनाउणा सागरा ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਖੂਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਇੱਕ ਚੂਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਲਾ ਸਕਦੇ ਪਲਾਈ ਹਿਰਦ ਚ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਵਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਮੇਧਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲੇ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਹਟਿਆ
तैयारियां करते आनंदपुर साहब दियां हुण सिख गुरु दा ते गुरु दे सिख दा कहा गया बचन साध बचन अटलादा हुण चंद्रमा ते सूरज चढ़नो हट सकदे आ ते सिख दा बचन नहीं हटदा इसे तरह कीता होया सिख दा बचन पर साध संगत उन्हां दे कन्नां दे विच गूंजदा हुण चैनी नहीं आउंदी टेक नहीं आउंदी की करिए क्यों दर्शन नहीं जे तू सानू देन लग्या तो अपने भागां च दर्शन ही है नहीं इस तरह समा लंघदा गया हुण साध संगत पति दा नौ सी सोना ते घरवाली दा नौ सी मोहना एक दिन इस्त्री नूं कहन लगा पति कहिंदा अपने भागां च दर्शन नहीं कहिंदी क्यों की गल कहिंदा मेरे कन्नां च आवाज ही ओही पई जांदी है हुण साध संगत की हालत होगी जिवें कोई कमला फिरदा हुंदा ना कमला झले होवे झले उधर महाराज दसवें पातशाह नाहन तो तुरन लगे ते रायपुर दी राणी सी रायपुर दी जदों उहनूं पता लग्या उहदे मन च फुरना बनिया बई जे मैं दसवें पातशाह दे पावन चरण पवाला ते फेर कहिंदी कहिंदी जे दसवें पातशाह ने चरण पाए तां बाई घर दे राजे मेरे नाल नाराज हो जाणगे मेरी कितें रियासती ना चली जावे रायपुर दी फिर सोचन लग गई एक दिन बैठी कली नेत्रा चो पानी डिगे नाले पानी डिगे ओ जंद बजदी ना तेरे दर्शना बिना जंद रहिंदी ना तेरे दर्शना बिना ना आवै अखां विच सफेदी आई एक देख दया रा तेरा गोया कमले चैन ना पावन कहा ना मानन मेरा सा संगत ओ राणी बैठी रोई जावे एक बुजुर्ग मां आ गई कहिंदी राणी तू रोनी क्यों है कहिंदी मेरा चित करदा दसवें पातशाह दे दर्शन करन नूं मेरा माना जेड़ा साध संगत हुण राणी ओ बुजुर्ग माई नूं कहन लगी राणी माई मेरा मन लोचा जी
दर्शन ताई दर्शन ताई मेरा मन लोचा जी दर्शन ताई दर्शन ताई दर्शन ताई मेरा मन लोचा जी दर्शन ताई हुण बुजुर्ग मानू राणी कहन लगी माई मेरा मन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह दे दर्शना नू चाहुंदा कहिंदी फेर कहिंदी भाई धर दे राजां तो डर लगदा भगाणी दा युद्ध होके हटिया है जे पता लग गया भी रायपुर दी राणी ने ओ दसवें पातशाह नू रायपुर दी रियासत च बुलाया है ते कहन लगी बुजुर्ग मां नू कहन लगी माता जी बाई धार दे राजे हो सकदा है मेरा मेरी रियासती खो लैन जदो इन्नी गल कही ओ बुजुर्ग माई कहन लगी राणी जह प्रसाद तू मानना राज जोग कहिंदी राणी दसवें पातशाह राज भाग देन वाले या घोण वाले नहीं है दसवें पातशाह राज भाग देन वाले है ओ ता बुजुर्ग माई कहन लगी राणी जिसका कहा दरगाह चला ओदा कहा ता दरगाह च भी कम करदा जिनू तू दसवें पातशाह मनदी है ना भगाणी दा युद्ध जीती बैठे है ओदा कहा व्या राणी दरगाह दे विच भी कम करदा हुण बुजुर्ग मां समझाउंदी राणी नू कहिंदी देख ओ जिंदे पूरिया गुरां दे लाड लग जिन्हां नू सारा जग पूजदा जिंदे पूरिया गुरां दे लाड लग जिन्हां नू सारा जग पूजदा Thank you.
सतगुर पूजे तिन हर पूज करावै। हुण साध संगत जो पता लग्या ना, बुजुर्ग मां कहिंदी राणी ओ दसवें पातशाह तां राज भाग देण वाला, कहिंदी फिर आउणगे किवें, कहिंदी की गल रियासत पवित्र करानी है, कहिंदी हां पवित्र करानी है, कहिंदी आओ कर तेनू कोई सुनेहा घलण दी लोड़ नहीं, तेनू कोई फौजी दस्ता भेजण दी लोड़ नहीं। कहिंदी किवें करां, कहिंदी बस ओनू बैठी इत्थे चेते करन लग जा। दसवें पातशाह नू चेते कर ते दसवें पातशाह तेरी रियासत दे विच आप ही आ जाणगे। हुण राणी साध संगत उठत बैठत सोवत जागत, उठद्यां बहिंद्यां पैंद्यां सौंद्यां की करे, तुरदी फिरदी के ए सतगुरु जी किते दिन आऊगा जदों मेरे आ रायपुर दी रियासत च चरण पावोंगे। जदों बैठा करे उदों यही गल्लां, ते जदों चौंकड़ा मार के बैठा करे उदो आओ जी तुसी आओ हमारे घर जा सरबनी सनावना। सच्चे पातशाह जदों हथ बन के बैठा करे नाले कहा करे, ओ किते गरीब दी कुली नू भाग ला जा राजिया दे जान, चेते करना शुरू किया सतगुरु जी किते रायपुर दी रियासत नू भी पवित्र कर जो, महाराज पावन चरण पा जो। एक दिन बैठी दे अखां चो पानी बग गया, उच्चे टल्ले मैं चढ़ चढ़ वेखा ना नैन ना नींद नैणा नू आवे,
बिच बिछोड़े होई बाबरी जिंदड़ी भर दी हावे। हुण जो नेत्रां चो पानी बगया ते इन्ने चिर नूं फौजी दस्ता आया वाके आवाजा मारियां राणी हां भाई की गल है कहिंदे कोई राजा चढ़िया हुंदा है कहिंदे की गल कहिंदे नगारा वजदा ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਮਾਈ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੂਰੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਬ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੂਰੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਬ ਪੀਲੇ ਸਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਬਜਿਆ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਮਨ ਚਾਹ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਗੈਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗਿਆ
ਧੰਨ ਕੈ ਧੰਨ ਕੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਧੰਨ ਕੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਮੇਥੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ।